I'm really excited. Honestly, I'm coming here for the first time. और बहुत से मेरे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं और देव ऑलरेडी लव द प्लेस और आई थिंक इट्स एट अ वेरी प्राइम वेरी गुड लोकेशन एंड दिस माई रेगुलर रूट आई लव टू सो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट और बहुत अच्छा है. आई नेवर मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ तो दिस माई फर्स्ट टाइम. आई डोंट इवन नो ऐसा कुछ है क्या. ओह आई हैव टू रियली चेक आउट. आई डोंट नो आई एम क्लूलेस. I don't really party. मुझे ज़्यादा मैं मैं कभी पार्टी नहीं करती. आई एम एक्चुअली जस्ट फॉर रक्षंदा जी बिकॉज यू नो शी इज़ होस्टिंग द इवेंट एंड आई थिंक इट्स बीन होस्टेड ब्यूटिफुली और बहुत रेयरली लाइक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स दैट आई एम पार्टिंग. My way to chill out, nothing, just go out with friends and like, you know, meet good people, talk and I think talking is the only best remedy. Thank you so much. मोस्टली बार से मेरा कोई लेना देना नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि मेरा बैंक से हमेशा लेना देना हो, देना ना हो लेना हो. सो आई एम होपिंग दैट आई गेट टू सी अ गुड बैंक हियर दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ नोट्स. सो फार आई कैन सी फूड विच ऑल्सो वर्क्स व्हेन देयर इज नो मनी इन्वॉल्व. या इट्स अ रियली नाइस एटमोसफियर क्योंकि फूड ट्रक्स लगे हुए, इट्स मोर लाइक अ कार्निवल. तो मैंने कभी बॉम्बे में, मुंबई में आज तक इतना अच्छा ऐसे ओपन एयर एटमोसफियर नहीं देखा. सो आई थिंक इट्स जस्ट फैबुलस. सो इट्स सच अ लाइवली एटमोसफियर एंड इट्स रियली राइट इन द हार्ट ऑफ द सबर्ब्स, जुहू राइट नेक्स्ट टू द बीच. इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस एंड द परफेक्ट वेदर. आप मेरी साइज देख के सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगी. आपने मेरी साइज देख के सवाल किया है. खाना मैं हमेशा खाती हूँ इसलिए तो साइज इतनी अच्छी और तंदुरुस्त है. मुझे, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें खाना बनाना पसंद नहीं है लेकिन खाना खाना बहुत पसंद है. तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से खा लेती हूँ. तो ऐसी जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है बिकॉज आई कैन कम एंड ईट व्हाटएवर आई वांट. मैं बाहर क्यों नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती क्योंकि ऐसी जगहों पे 4 साल के बच्चे अलाउड नहीं होते और मेरी बेटी मुझे परमिशन नहीं देती कहीं जाने की. तो शादी से पहले मुझे माँ बाप की परमिशन चाहिए थी, शादी के बाद पति ने कभी नहीं पूछा कहाँ जा रही हूँ, लेकिन बच्चा होने के बाद मेरी बेटी हमेशा पूछती मामा कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, जल्दी आ जाओगे, मेरे सोने से पहले आ जाओगे. तो इसलिए अक्सर मैं नहीं जा पाती बट वंस इन अ वे फील्स रियली नाइस टू गेट आउट. वर्क वाइज इस वक्त मैं नागिन 3 कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं. सो इट्स ग्रेट बीइंग बैक एट वर्क स्पेशली विद बालाजी. बेला बहू कैसी लग रही है? बेला बहू आएगी अब, आप उससे पूछ लीजिएगा कि उसे उसकी सास कैसी लगती है. मुझे लगता है दैट वेन एवर आई मेक अ सास आई मेक अ माइंड वेरी सास आई बी वेरी. वेब सीरीज़ ऑफर की जाती हैं लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू डू वेब सीरीज. इट इज़ अ गुड स्टोरी यार. इन द फ्यूचर व्हेन वेब सीरीज मे बी आर नॉट एज बोल्ड एज दे आर राइट नाउ. थैंक यू. Bye, man. I'm Luke Center.
बॉम्बे वॉज मिसिंग अ प्लेस लाइक दिस ओपन एयर. दिल्ली में इतनी जगहें हैं ऐसी, इतनी खूबसूरत जगह है. आई सी माई सेल्फ कमिंग हियर वंस अ वीक एटलीस्ट. ऐसी जगह कहाँ मिलती हैं जहाँ पे आपको इतना वैरायटी खाने का, एंड यू नो देयर सो मच टू डू, एंड इट्स अ फन प्लेस टू कम विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद एनीबॉडी. इट्स अ ग्रेट प्लेस, आई लव इट. आई बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम लोग फ्रेंड्स के यहाँ ज़रूर मिलते हैं. इट्स मोर यू नो क्लोज फ्रेंड्स मीटिंग, बट आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल माई फ्रेंड्स हियर. इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट, स्टनिंग. अपनों के लिए हमेशा टाइम होता है, और दिस इवेंट इज़ डन बाय माई क्लोजेस्ट फ्रेंड केदार गावड़े. ही इज़ लाइक अ ब्रदर, फादर, बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, सो फॉर हिम एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर आई कम रनिंग. थैंक यू, लवली टू बी हियर. कम क्लोज सर, कम क्लोज, कम क्लोज सर, कम क्लोज. मैं वीडियो के लिए ओके झूला रहे थे, झूला दे रहे. Yes, already people have come. I'm sure it's going to be good, better good buzz, than we yeah. expected it to be. Yeah, there's a good buzz, so expecting a lovely time. यार काम के सिलसिले में मौका ही नहीं मिलता, लेकिन जब जब मौका मिलता है कोशिश करते हैं हम बाहर जाएं. तो अभी क्या है ना, हम लोग ये कोशिश करते हैं हम दोनों ने छुपके से चले जाएं, एक साइलेंट कैंडल लाइट डिनर, एक मस्त साइलेंट डिनर जाएं. बट कभी कभी फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसी जगह पे भी जाते हैं. हाँ, हम सोशलाइज कम करते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, पर जैसे कि इन्होंने कहा डिनर और ड्राइव पे हम ज़्यादा जाते हैं, सोशलाइज कम करते हैं. खाना पकाना पसंद करती हो, खाने क्या है? देखिए मैं पकाता हूँ, ये खाती है. नहीं, ये पकाती हैं कभी कभी. शी मेक्स लवली फिश, क्योंकि फैमिली में ये ट्रेडिशन है, बहुत अच्छी फिश बनाते हैं, मज़ा आता है. मैं फिश खाना तभी शुरू किया था. It is lovely. It is a prime location. And as we said, our friends have already come here. तो आज जब उनको बोला, they were very excited कि हमको जाना है, फिर से जाना है, because we already been there. It's a lovely place. बार बैंक, या बार बोल दो तो वो कहीं भी पहुंच जाएगा. बैंक भी है और बस काम हो गया हमारा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. फर्स्ट क्लास, ये बहुत अच्छा है. सो लाइक यू नो, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही बार बैंक है क्या? समझ लगा. हां, दैट्स नाइस. दैट्स नाइस. बाद में मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं, बाकी दिन नथिंग. वो दिख रहा है यार, क्या झूठ बोलने की बात नहीं है. यू कैन सी लवली यार, सुपर वंडरफुल. आई फिनिशिंग कलंक नाउ, वन मोर शेड्यूल टू गो, कलंक विल बी ओवर फॉर मी. फिनिश कर लेट तू भी मोहब्बत, मोर वेब सीरीज टू कम. वेरी गुड. आई बिलीव यू नो एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग, किड्स आर ग्रोइंग विद अस, सो यू नो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर, व्हाट डू यू से, ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल विद हर अराउंड एंड किड्स अराउंड. नथिंग एल्स यू वॉन्ट. थैंक यू. Yes, 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 yes.